सिखों की लीडरशिप ने समाज के दबे कुचले गरीब व पिछड़ी जातियों के साथ संबंधित लोगों को सही समय पर नहीं संभाला, उनको आदर सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण वह लोग मजबूर होकर डेरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए। यही कारण है कि डेरावाद बढ़ गया। इसलिए सीधे तौर पर सिखों की लीडरशिप इसकी जिम्मेवार है। यह विचार पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने राजपुरा के नजदीक चितकारा यूनिवर्सिटी में लगाए गए नौकरी मेले में जाने से पहले राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के निवास पर न्यूज 89 की टीम से विशेष बातचीत के दौरान कहे। जो पंजाब दे विच जॉब फेयर चल रहे हैं उस संबंध दे विच असी राजपुरे आए हैं। मानयोग MLA साहब मेरे नाल है। चितकारा यूनिवर्सिटी दे विच असी एक मेगा जॉब फेयर लगाया होया, उहदा उद्घाटन करना है। इहदे विच पूरे पंजाब दे विच असी 50,000 नौजवानों नूं पहले चरण च नौकरियां दे रहे हैं। 4,00,000 नौजवानों ने साडे पास अप्लाई किया। 900 कंपनियां पूरे देश चों पंजाब दे विच नौकरियां देने वास्ते आईया। सो यह एक जो साडा वादा सी कि घर घर नौकरी देनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्ची और लंबी सोच सदका ये उन्होंने दिशा निर्देश दे विच जिहड़े हैगे मेले चल रहे हैं। तो सानू उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा नौजवानों को लाभ होएगा। तो असी जो घर घर नौकरी है वो पहला कदम है जो पट लिया। उन्हें गरीब लोगों बैकवर्ड क्लास लोगों शडूल कास्ट लोगों सही तरीके संभालिया नहीं, उन्होंने आदर मान सत्कार नहीं दिता, जिदे करके फ्रस्ट्रेट होकर डेरिया की शरण में गए हैं। इस करके डेरावाद पंजाब दे विच पनपिया। इहदे वास्ते सीधा ही साडी जिहड़ी सिख कौम मौजूदा लीडरशिप है जिम्मेवार है। आपको बता दें कि चितकारा यूनिवर्सिटी की ओर से विशेष तौर पर नौजवानों को नौकरी देने के लिए एक मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष तौर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी विशेष तौर पर चितकारा यूनिवर्सिटी पहुंचे। मंत्री जी का स्वागत चितकारा यूनिवर्सिटी की ओर से यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक चितकारा ने किया। मंत्री जी के साथ राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज, डिप्टी कमिश्नर पटियाला श्री कुमार अमित, SDM राजपुरा श्री संजीव कुमार, DSP राजपुरा श्री कृष्ण कुमार पैंते भी विशेष तौर पर चितकारा यूनिवर्सिटी पहुंचे। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा, न्यूज 89।